वैसे वहां जाके भी बात की जा सकती है। आए ना। हाँ चुप बैठे। बताएं ना भाई, बताएं। वो मुझे उम्मीद दिलाती थी कि तुम्हारी जिंदगी में बाजारी पराठों और बाजारी औरतों दोनों की कमी नहीं आने दूंगी। कहती थी कि तुम्हारी जिंदगी में कॉफी की तरह कड़कपन और ब्राउन शुगर की तरह मिठास लेकर आऊंगी। लेकिन 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 आज उसने मेरी उम्मीदें और अपने वादे तोड़ दिए। उसने क्या आपका दिल तोड़ दिया? नहीं, उसने लड़की वालों को मेरी सही सैलरी बता दी। एक सेकंड, वो लड़की वाली नहीं थी? नहीं नहीं, वो तो लड़की वालों की रिश्तेदार थी, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। एक मिनट, आई थिंक आई फिगर्ड आउट व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज। गर्ल्स आर एज कॉम्प्लिकेटेड एज दे आर ब्यूटीफुल, एंड व्हेन दे लाइक समबडी दे ट्राई टू हुक देम अप विद देयर फेक फ्रेंड, एंड व्हेन हिज हार्ट गेट्स ब्रोकन फिर वो फिर एक सेकंड भाई, जब मैं अंग्रेजी बोल रहा था तो इसने क्या फारसी बोली है? या तो फिर उसको खुद प्रपोज कर देती है, या उसको हिंट्स दे दे कि वो उसको प्रपोज कर दे। इसका मतलब ये कि रशीदा खाला अगर मुझसे शादी करना चाहती है तो फिर साबिर अंकल का क्या होगा? रशीदा खाला, साबिर अंकल, कहना क्या चाहते हो? हमारे मोहल्ले की रिश्ते कराने वाली खाला, रशीदा खाला, उन्होंने मुझे ये उम्मीद दिलवाई कि तुम्हारी अरेंज मैरिज कराऊंगी, लेकिन फिर लड़की वालों को मेरी सही सैलरी बताकर बात को रफा दफा कर दिया। अब मैं किधर दफा हो जाऊं? अरेंज मैरिज? हाँ, अरेंज मैरिज वाली बात कोई रोने वाली बात थोड़ी है। अगर आप मेरी माने तो शादी वाली बात भी रोने वाली नहीं है। हाँ, मतलब सलीम भाई को देख लें, आज तक कुंवारे, और देखें ये रो थोड़ी रहे हैं, ये तो मुस्कुरा रहे हैं। मुझे तो किसी का कंधा चाहिए रोने के लिए। मेरा कंधा आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, आपने परेशान नहीं होना, ये सब तो नसीब के खेल हैं। और मैं अभी आपके लिए पराठा लेके आता हूँ। पराठे? सलीम भाई, बिल्लू, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। नाशपाती फ्रेश पिक गारंटीड। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ।